वहां से मैं शूटिंग कर रहा था और अचानक से मेरा सामान गिरा और ये देखो, ये देखो ट्राइपॉड और मेरा फोन, भगवान करे बच गया हो यार। और ये है 3-axis gimbal with 4K 60fps कैमरा जो कि अब तक का सबसे। तो देखिए फिर से वही जगह देख रहे हो, बैक टू माय रूम। ये मेरी कर्म भूमि है जहाँ पर मुझे कर्म करना है। हालांकि मैं तो हर जगह कर्म करता हूँ क्योंकि आप सभी लोगों के लिए कंटेंट बनाना भी एक तरीके से कर्म ही है जो मैं रोज करता हूँ। नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। हाउ आर यू एवरीबॉडी, दिस इज विशाल द वे। इस बार हूँ लाइव फ्रॉम वडोदरा बेबी। सबसे पहले तो यार आज जो वीडियो मैं आप सभी लोगों के लिए बना रहा हूँ ना, ये है मेरा न्यू इक्विपमेंट जो कि मैंने खरीदा है अभी अभी। आप सभी लोगों ने पिछला वाला व्लॉग देखा होगा जहां पर युदेश भैया मेरे लिए एक पार्सल लेके आते हैं, और अगर वो नहीं देखा है तो भैया वो देख लो, ऊपर आई बटन पे वो वीडियो दे दूंगा तो उस वीडियो को जाके आप देख सकते हो। तो आज वो दिन आ चुका है जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि युदेश भैया ने जो वो पार्सल रिसीव किया था मेरे लिए और स्टेशन पे वो लेके आए थे, उस पार्सल के अंदर था क्या। जी हाँ, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि उस पार्सल के अंदर क्या था। तो उस पार्सल के अंदर था मेरा न्यू इक्विपमेंट जो कि मैं यूज़ करने वाला हूँ अब डेली व्लॉग्स में और ट्रैवल व्लॉग्स में। मैं बात कर रहा हूँ DJI Osmo Pocket 2। Yes! आज का वीडियो पूरा का पूरा उस पे अनबॉक्सिंग के ऊपर होगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस लिंक पे जाके आप डायरेक्टली इसे परचेज कर सकते हैं या इसका रिव्यू देख सकते हैं, वो भी एक लिंक पे क्लिक करो डायरेक्ट पहुंच जाओ उस वेबसाइट पे। मैं बता देता हूं कि DJI Osmo Pocket 2 है क्या। तो इट्स बेसिकली DJI का एक पूरा का पूरा व्लॉगिंग सेटअप है, एक व्लॉगिंग कैम है, ठीक है, जो कि 3-axis gimbal वाला है। अगर आप व्लॉग कर रहे हो ना, अगर आप व्लॉग करना चाहते हो तो आपके लिए बेस्ट इक्विपमेंट है जो कि आप परचेज कर सकते हो। छोटू सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा होता है। मैंने इसके ऊपर 3-4 दिनों तक लगातार रिव्यूज देखे हैं, उसके बाद मैं इसको खरीदने के बारे में सोचा था और अब फाइनली मैंने खरीद लिया है और वो मेरे घर आ चुका है। देखो तो मैं ऊपर वहां से शूटिंग कर रहा था और अचानक से मेरा सामान गिरा और ये देखो, ये देखो, ये है मेरा ट्राइपॉड और मेरा फ़ोन, भगवान करे बच गया हो यार फ़ोन। ओ माय गॉड, नॉर्मल स्क्रैचेस बस आए हैं, बच गया, देख रहे हो, बच गया फ़ोन। क्या बात है यार, आईफोन बच गया, आय हाय, देख रहे हो, कुछ भी नहीं हुआ है ज़्यादा, लेकिन काफ़ी ऊंचाई से गिरा था ये देखो, बहुत ही कमाल की ऊंचाई से गिरा था लेकिन मिल गया यार, क्या ही बोले अब। ये देखो मिल गया, आय हाय, अभी नीचे उतरते हैं, मैं यहाँ से चढ़ा था, ओके देख रहे हो, यहाँ से चढ़ना हुआ था लेकिन फाइनली मिल गया और कुछ भी नहीं हुआ तो इतना तो अच्छी बात है। थैंक यू आंटी, थैंक यू। अभी नीचे उतरते हैं, कुछ भी नहीं हुआ है तो चलो, बच गए, बाल बाल बच गए यार, मतलब क्या ही बताऊं, इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी उसको कुछ भी नहीं हुआ, हार्ट फेल हो गया था मेरा। मैं नीचे गया, मैंने आंटी को बोला कि आंटी नीचे बाजू वाले घर में फोन गिर गया। आंटी ने बोला कि सामने वाले घर में, वहां पर देखो, वहां पर ना शादी चल रही है, यहाँ पर शादी चल रही है, तो इसी शादी वाले घर में वो लोग गए हुए। तो हमने खटखटाया गेट, बट वो लोग नहीं मिले, कोई नहीं निकला बाहर। तो आंटी ने बोला कि एक काम कर, तू यहाँ से ऐसा चढ़ जा और ऊपर चढ़ के फिर निकाल ले। मैं क्या, ठीक है। फिर ऊंचाई से गिरा था, इस ऊंचाई से गिरा था वो फ़ोन, ठीक है। तो चलिए अब ज़्यादा देर नहीं करते, अभी मुझे भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, तो मैं खाना खाने के लिए जाऊँगा, खाना खा के आऊँगा और फिर आप सभी लोगों को दिखाऊँगा DJI Pocket 2 का अनबॉक्सिंग। तो पसीना पसीना हो गया, टेंशन के मारे हो जाता है यार, फिर चढ़ना वरना सब, जब आपका फ़ोन गिरता ना आपको कुछ समझ नहीं आता, फिर जल्दी जल्दी आप करना शुरू हो जाते हो काम। खाना खा के आएंगे और उसके बाद आप सभी लोगों के लिए अनबॉक्सिंग करूँगा। आई एम सो सॉरी, लेकिन यार इतने तपस्या के बाद, इतने प्रयासों के बाद जब ऐसा कोई इक्विपमेंट आता है ना और आप सभी लोगों का प्यार मिलता है, आप सभी लोग इतना शेयर करते हो वीडियो को, हाय हाय हाय, आपके लिए तो कंटेंट बनाते हैं। देखिए ये है DJI Osmo Pocket 2 और अब हम इसको अनबॉक्स करने वाले हैं। देखो DJI का कमाल का लोगो है, मतलब ऐसे जो फिनिशिंग वाले लोगो होते हैं ना, और फिनिशिंग वाला जो पैक ये लोग करते हैं,
मज़ा आता है ऐसा देख के। तो अभी अपन इसको अनबॉक्स करते हैं, यहाँ पर फीचर्स कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो टैं टैं, ये रहा हमारा DJI, इसको पहले निकाल लेते हैं। जी हाँ, ये देखो, इसमें आपको केबल वगैरह मिल जाएंगे। ओके, एंड ये है हमारा मेन कैमरा। बारे देखो, मस्त है ना। अभी इसको आप अपन खोलेंगे, अभी नहीं खोलते, अभी पहले इसके टीवी का रिमोट है भाई। टीवी के रिमोट जैसा लग रहा है। तो यहाँ पर है इसका ओके कंट्रोलर एक तरीके से यहाँ पर है, इसको रख देते हैं। ओके, अभी अपन इसको भी देखेंगे सबसे पहले अंदर और क्या क्या चीज़ें निकाल लेते हैं। ये केबल जिससे कि अपन इसको चार्ज कर सकते हैं। खुल जा सिम, खुल जा सिम। देखो ये है इसका कंट्रोलर, ठीक है, जिससे कि आप कंट्रोल कर सकते हो। तो ये भाई साहब कंट्रोलर है, इससे आप फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हो इससे, ठीक है। ये फ़ोन का कनेक्टर है, ध्यान से देख लो भाई साहब, इससे फ़ोन कनेक्ट करते हैं। एंड्रॉयड के लिए शायद, हाँ ये अभी एप्पल के लिए आपको मिलेगा। सी टाइप फ़ोन है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। देखो इतने इक्विपमेंट्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, छोटे छोटे इतने इक्विपमेंट्स आपको मिलते हैं। और एक ये भी है, इसको भी देख लेते हैं। इसका शायद काम इसको नीचे फिट करने का है, इसके पता नहीं एक्चुअली ये क्या चीज़ है, लेकिन जब हम इसको फिट करेंगे तब पता चलेगा कि ये एक्चुअल में है क्या। तो अभी अपन इसको देखते हैं इसके अंदर क्या है। टैं, यो गिम्बल विथ कैमरा। भाई तेरा कैमरा कहाँ है? हाँ अच्छा, ये रहा, ये है अपना कैमरा। और ये है 3 एक्सेस गिम्बल विथ 4K 60fps कैमरा, जो कि अब तक का सबसे सॉलिड पीस है DJI का, ठीक है। तो ये हमारे पास आ चुका है, अब आपको व्लॉग्स देखने में बड़ा मज़ा आएगा। अगर इसका रिव्यू देखना है तो अगले व्लॉग का वेट करो, क्योंकि अगले व्लॉग में मैं आप सभी लोगों को इसका रिव्यू देने वाला हूँ। देखिए DJI Osmo Pocket 2, इतने सारे इक्विपमेंट्स हमको मिले हैं, अभी अपन इसको कल रिव्यू करेगा, मज़ा आएगा। चलिए, कैसा लगा यार? मैं थोड़ी देर के लिए आराम से सो गया था, सच में आप सभी लोगों को आंखें देख के लगी रहा होगा। मैंने सोचा कि चलिए आप सभी लोगों को पूछ लेता हूँ कि आपको कैसा लगा ये अनबॉक्सिंग वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट कर दो यार, और बता दो मुझे कि ऐसे वीडियोस मुझे फ्यूचर में लाने चाहिए कि नहीं लाने चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं टेक व्लॉग भी करूँ आप सभी लोगों के लिए, टेक्नोलॉजी से भरे हुए व्लॉग्स भी लाऊँ, ताकि आपको इस एक चैनल पर टेक्नोलॉजी का भी नॉलेज मिल जाए। तो ये था DJI Osmo Pocket 2। अगर आपको इसका रिव्यू देखना है ना, तो आपको नेक्स्ट व्लॉग का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगले व्लॉग में मैं आपको इससे शूट करके क्लिप्स भी दिखाऊंगा। तो अगले व्लॉग का वेट करो। अगर आप लेना चाहते हो DJI Osmo Pocket 2, तो डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगी। अगर इसके बारे में और भी जानना चाहते हो तो भी डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगी। एक ही लिंक पे आपको क्लिक करके, बस कुछ नहीं, उस लिंक पे क्लिक करना है, आप डायरेक्टली उस पेज पे पहुंच जाओगे। उस पेज पे पहुंचने के बाद आप उसके बारे में जान सकते हो या फिर उसे परचेज कर सकते हो। चैनल पे बने रहो, अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। इसी तरीके के कंटेंट आप सभी लोगों के लिए मैं हमेशा लेके आता हूँ। बहुत जल्दी बहुत दूर दूर ट्रैवल करने वाला हूँ और आपको लेके जाने वाला हूँ। काहे को चिंता कर रहे हो, विशाल देव इज ऑलवेज देयर फॉर यू एवरीबॉडी। तो अभी तक देख रहे हो, लाइक का बटन दब जाना चाहिए। जमे रहिए, बने रहिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए, विशाल दवे को विदा दीजिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। अभी मैं एडिटिंग पे बैठूंगा, एडिट वेडिट करके फिर आप सभी लोगों के लिए सुबह 10:30 बजे तक कंटेंट आ जाएगा। काहे को चिंता कर रही हो, कल के व्लॉग में आप सभी लोगों से मुलाकात करते हैं।